तमाम जहान से तमाम आलम इंसानियत से इस वबा का खात्मा फरमाइए, जो बीमार उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाइए। इस माहौल में जितने लोग कर्ज़दार हो गए मौला, उन सबको कर्ज़दारी से निजात अता फरमाइए। उन सब के रोज़े रोज़गार में खैर बरकत अता फरमाइए, कामयाबी व कामरानी अता फरमाइए। खैर बरकत, कामयाबी, सलामती के साथ अपनी दर दौलत को अपनी बारगाह में बुलाइए। या मुईन अहमद मुसल की वकालत के लिए, या मुईन हैदर और संसद की विलायत के लिए, या मुईन खातून क़यामत की चादर पाक के लिए, या मुईन शब्बीर और शब्बीर की अजमत के लिए। दिल के हर एक दाग को फूल बना दो ख्वाजा, मेरी फरियाद को मकबूल बना दो ख्वाजा। आप जिगर गोश ए रसूल हो ख्वाजा, आप आले नबी औलाद अली और गरीब नवाज, करम शामिल हाल फरमाइए। बगर दबे बला उस्तादाम या मुस्तफ़ा दस्ते, बपहर गम गिरफ्तारम बलिए मुर्तज़ा होते। ज़े वले शब महराज दानिस्तम जदुल्लाही, चरा दस्तम नगीरी या अली बरे खुदा दस्ते। बगर दबे बला उस्ताद अकश्ती, रही कौनों शकिस्तारा तो खुश थी। बहक के ख्वाजे उस्मान हर बनी, मदद कुनिया मदद कुनिया मोहुद्दीन चिश्ती। बहक के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नमाज करम शामिल हाल पर। आज हुजूर की बारगाह के अंदर ये एक आशी के हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से बारगाह के अंदर देख बनाई गई है, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त से ही उन्होंने देख की कह रखा था, मन्नत कर रखी थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते देखा पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ये देख नहीं बन पाई। तो लॉकडाउन 10 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को। मार्च के अंदर लगा था 22 मार्च को, फिर ये लॉकडाउन खुल चुका था 7 सितंबर को, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ये देख नहीं बन पा रही थी। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आ चुकी है। आज माशाल्लाह हुजूर की बारगाह के अंदर तो ये पहली देख 10 महीने बाद हुजूर की बारगाह में बनी है। हुजूर इस देख को, इस नजर व न्याज को कबूल व मकबूल फरमाएं और उनकी फैमिली को शाद आबाद रखें, सलामत व आबाद रखें, करम शामिल हाल फरमाएं। ये हुजूर की बारगाह में एक खिदमत है, उनकी इस खिदमत का बेहतरीन से बेहतरीन सिला अता फरमाएं, बेहतरीन से बेहतरीन अर्ज अता फरमाएं, इस जहान में भी उस जहान में भी। इलाही आमीन इलाही आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वही देख है जो मुग़ल एम्परर अकबर बादशाह ने बारगाह के अंदर पेश करी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं दो आदमी इधर से पकड़ के और दो आदमी उधर से पकड़ के रस्से से इस चम्मच को हिलाते हैं, आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ ये वाली आ सकती है।
अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह से ये देग पकती है, ये पूरा का पूरा एक तरह से चूल्हा बना हुआ है, चूल्हे की तरह है ये बड़ी देग का। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा कि हुजूर की बारगाह में देग पक रही है, तो ये वो बड़ी देग है हुजूर की बारगाह के अंदर जो मुग़ल एम्परर अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने हुजूर की बारगाह में आकर पेश करी, क्योंकि वो औलाद के मन्नत के लिए हुजूर की बारगाह में पैदल आगरा से आए। जब हुजूर गरीब नवाज़ के वसीले से उनको नेक और सौले औलाद अता हुई, तो हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में उन्होंने बतौर नजराना ये बड़ी देख पेश करी, आप देख सकते हैं। और एक देख हुजूर की बारगाह के अंदर जो है उनके साहबजादे जहांगीर जो कि सलीम, उन्होंने पेश करी, जो कि उधर की तरफ छोटी देग है, ये बड़ी देग है। तो आज ये बड़ी देग 10 महीने बाद हुजूर की बारगाह में बनी है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन के वक्त जो है देग वगैरह नहीं बन रही थी, और फिर लॉकडाउन जब खुला तो उसके बाद गाइडलाइंस आ गई, तो गाइडलाइंस के हिसाब से मुताबिक भी ये देग नहीं बन रही थी। तो आज माशाल्लाह बहुत मुबारक दिन है हुजूर की बारगाह में कि ये देग बन रही है, और एक आशिक हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने लॉकडाउन के वक्त ये बुक करी थी देग, तो उनकी आज पहली देग 10 महीने बाद जो लॉकडाउन की गाइडलाइंस आई, तो ये देग पहली देग उनकी तरफ से हुजूर की बारगाह में बनी। हुजूर इस नज़र व न्याज के तोहफे को कबूल व मकबूल फरमाएं। और आप लोग भी, अब जैसा कि देग का बनना सिलसिला शुरू हो चुका है, तो जिस किसी को भी हुजूर की बारगाह में एक खिदमत है, हुजूर इस खिदमत का बेहतरीन से बेहतरीन सिला अता फरमाए, अजर अता फरमाए। क्योंकि ये देग बनने के बाद अभी रात का वक्त है, ये देग सुबह फजर तक जो है इसी तरह से बनती रहेगी, पकती रहेगी और घुटेगी इस तरह से ये बड़े चम्मच से। तो ये रात पूरी रात जो है पकेगी, फिर फजर के बाद जब अभी रात का लॉकडाउन है, जब कर्फ्यू खुल जाएगा, तो कर्फ्यू के बाद जो ज़ायरीन हुजूर की बारगाह में हाज़िरी के लिए आएंगे, तो उन ज़ायरीन में तकसीम की जाएगी। तो हुजूर की बारगाह में जिस किसी को भी देख पकवानी हो अपनी तरफ से, तो आप लोग हमें इत्तला करें, हुजूर की बारगाह में आपकी तरफ से देख पकाई जाएगी हुजूर की बारगाह में। और जो लोग यहाँ आकर देख पकाना चाहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है, हुजूर की बारगाह में हाज़िरी करें और अपनी तरफ से देख पकाएं, इस देख को कबूल व मकबूल फरमाएं। इलाही आमीन। करम शामिल हाल फरमाएं गरीब नवाज। सुभान अल्लाह।